फ्रेंड्स कैसे हो आप सब वेलकम टू माय चैनल नाजिश एकेडमी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एस ने नोटिफिकेशन जारी किया है सीबीओ के लिए रिक्रूटमेंट है इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या सिलेक्शन प्रोसेस है एंड लास्ट डेट कब तक अप्लाई करने का इस वीडियो तक बने रहिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो चलिए मिसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं ये रिक्रूटमेंट है सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स इसे अप्लाई करने का जो डेट है वो एटीन अक्टूबर टू 2022 इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो है सेवेंथ नवंबर 2022 फी पी करने का भी डेट यही है आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए वो नवंबर या तो दिसंबर में ये टेंटेटिव एंड ऑनलाइन टेस्ट होगा ये भी टेंटेटिव डेट है ये फोर्थ है दिसंबर 2022 अब हम बढ़ेंगे आगे चलिए हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज दी हुई है रेगुलर वैकेंसीज में टोटल वैकेंसी है 1400 एंड बैकलॉग वैकेंसी में है टोटल 22 तो टोटल इसमें वैकेंसी हो जाएगा वन यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है सारा वैकेंसीज अब हम इधर राइट साइड आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई हुई है इसके लिए क्या एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है अगर आपने डिग्री किया हुआ है ग्रेजुएशन किया हुआ किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो और एनी इक्वलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉन्नाइज एज सच बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इन टी डिग्री पोज इन कॉलिफिकेशन सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट वुड वल्सो भी एलिजिबल एज लिमिट की बात करते हैं एज लिमिट एज ऑन थर्टी सितंबर 2022 नॉट बिलो ट्वेंटी वन ईयर्स एंड नॉट अबव थर्टी ईयर्स यहाँ पर देखिए एक रिलेक्सेशन दिया जैसा हर किसी में होता है एस एस टी के लिए फाइव ईयर्स ओ बी नॉन क्रिमिलियर के लिए थ्री ईयर्स एंड पी डब्ल्यू बी डी एस टी के लिए फिफ्टीन ईयर्स पी डब्ल्यू बी ओ बी सी के लिए थर्टीन ईयर्स पी डब्ल्यू बी डी जनरल और ई डब्ल्यू एस के लिए टेन ईयर्स एंड एक सर्विस मैन कमीशन ऑफिसर इक्लूडिंग इमरजेंसी कमिशन ऑफिसर इन सभी के लिए फाइव ईयर्स

एंड यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सेक्शन पहला इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसमें तीस क्वेश्चन होंगे तीस मार्क्स के होंगे तीस मिनट का टाइम होगा एंड सेकंड है बैंकिंग नॉलेज फोर्टी क्वेश्चन होंगे इसमें फोर्टी मार्क्स के होंगे फोर्टी मिनट्स के टाइम होंगे एंड जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी है इसमें भी थर्टी क्वेश्चन होंगे थर्टी मार्क्स होंगे एंड थर्टी मिनट्स फिर है कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसमें होंगे ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स एंड ट्वेंटी मिनट्स तो टोटल हो जाएंगे वन ट्वेंटी क्वेश्चन मार्क्स एंड टू आवर्स फिर देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ड्यूरेशन ऑफ ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टेस्ट इज मिनट्स इट विल बी अ इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड विद टू फॉर 50 marks and merit list will be drawn circle wise and category wise on the basis of aggregate marks scored in online test. There will be no selection qualifying marks. Candidates numbering up to three times approximately of the circle wise and category wise vacancies will be shortlisted for screening from the top of the merit list drawn on circle wise and category wise, subject to a candidate scoring the minimum aggregate qualifying marks as decided by the bank. पेनल्टी रॉन्ग आंसर्स देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर एक अच्छी बात यह है कि इसमें नहीं है एंड हम अब स्क्रीनिंग की बात करते हैं हम लेफ्ट साइड आ जाते हैं इमोमेंट की बात करते हैं तो देखिए be देख in तो यहाँ पर बेसिक पे जो है वो है रुपीज थर्टी सिक्स थाउजेंड सैलरी काफी डिसेंट है ऑलमोस्ट पर मंथ जो है वो आपका सेवेंटी थाउजेंड हो जाएगा एंड यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो सबसे पहला ये कि एप्लीकेशन फी जो है ये नॉन रिफंडेबल है एस सी एस टी डी के लिए है नील एंड जनरल ईडब्ल्यू एस और ओबीसी के लिए रूपीज सेवन हंड्रेड फिफ्टी अब देखिए हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसे अप्लाई करने का डेट है एटीथ अक्टूबर 2022 और इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो है सेवंथ नवंबर 2022 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आप इसके वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं बैंक्स वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है स्लैश स्लैश बैंक डॉट एस बी आई डॉट करियर्स एंड यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताए हुए कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वाइल्ड फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म आप देख लीजिएगा रिसेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर आईडी प्रूफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और भी कुछ पॉइंट्स में दिए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा अब ज्यादा कुछ बताने को नहीं है यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है ये आप देख सकते हैं एंड लास्ट में है ये यह देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स के तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके कहाँ पर हो सकते हैं इसके लिए टेंटेटिव लिस्ट दिया हुआ है स्टेट एंड फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं जैसा कि अगर स्टेट है असम तो हो जाएगा हमारा सेंटर गुवाहाटी बिहार है पटना मुजफ्फरपुर चंडीगढ़ में है चंडीगढ़ मोहाली गोवा में है पानी छत्तीसगढ़ में है रायपुर गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर हरियाणा में अम्बाला हिसार फरीदाबाद गुरुग्राम एंड इसी तरह जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू झारखंड के लिए जमशेदपुर रांची कर्नाटका के लिए बेंगलुरु एंड फिर देखिए यहाँ पर है मणिपुर में इम्फाल मेघालय में शिलॉन्ग मिजोरम एजवाल नागालैंड कोहिमा तो देखिए ये सारे स्टेट्स दिए हुए हैं एंड उसके अगेंस्ट बताया हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स तो ये आप एक बार देख लीजिएगा तो ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही ये थी अच्छी जानकारी मैंने आपको जनरल रिकॉर्यमेंट बता दिया है मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस एंड अगर मेरा ये वो पसंद आया तो लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड इसी तरह के जब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ